एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग योर फेवरेट रेडियो प्रोग्राम ऑल इज वेल। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मेरी आवाज को अपनी समातों के बादल से कबूल करने का शुक्रिया। मरहबा आहलन वसाहलन, मरहबा पा खैर रागले, होश आमदीद जी आया नू। हाँ जी जनाब, कैफा हाल, कैसे हैं आप, की हाल है तुहाडे, हाउ आर यू। आप तो जनाब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट सुपर्ब हैं, कमाल के हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक फिट फाट सुपर्ब कमाल के होंगे जी। देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव में, धूप में, छांव में, ठंडी हवाओं में, सुहानी फिजाओं में, रेत में हो या दश्त में हो, तनहाई में, सन्नाटे में, बादल में, मूसलाधार बारिश में, घरों में हो या बाजार में, हकीकत में हो या हवाब में, जमीनों में हो या आसमानों में हो, आबादियों में हो या जंगलों में हो, कौनों मकान से परे गैर आबाद सियारों में, जस्तजू में, आरजू में, नगर नगर, गली गली, जहां जहां भी हमारी आवाज चली, सब को अर्जे बहलोल मुर्जा की जानिब से अकीदतुम बरा सलाम एंड एंड आदाब। समुद्रों की तुगयानी में, बारिश के पानी में, लड़कपन में, जवानी में, मुश्किल में, आसानी में, जिस हाल में लोग मौजूद, मुर्जा की जानिब से सलाम अलैकुम, वेलकम, सत बिस्मिल्ला जी आया नू। गाइज, जिन लोगों की आज बर्थडे है हम उनको कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। अल्लाह ताला की जुबान मुतबरिक और अजीम शान जात आपकी जिंदगानी में, प्यारी सी जिंदगानी में, ये दिन बार बार लाए, हजार बार लाए, खुशियां ही खुशियां लाए इस दिन। अल्लाह ताला की सुबान मुतबरिक अजीम शान जात आपकी जिंदगानी में, और जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी जनाब, हम उनको कहते हैं जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अल्लाह ताला की जुबान मुतबरिक अजीम शान जात इस जोड़े को हमेशा सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। जो लोग खारी शहर में दाखिल हो रहे हैं हम उनको कहते हैं जी वेलकम, खुशामदीद करते हैं हम उनको, हमारा खारी एफएम 97 के स्टूडियो से। और जो लोग खारी शहर से बाहर जा रहे हैं हम उनको कहते हैं जी हैर नाल जाओ ते हैर नाल आओ, टेक केयर, लाइक, टाटा, बाय बाय। जी गाइस, बिल्कुल फेस पे स्माइल रखनी है आपने, हंसता मुस्कुराता चांद सितारों जैसा चेहरा हमने आपका देखना है, फेस पे स्माइल एवरीवेयर एनी टाइम ऑलवेज फॉर एवर। ऐसा गुजरा आपका वीक, यानी एक साल के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जनाब प्रोग्राम करने के लिए, हम पूरे एक साल के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और कैसा गुजरा आपका वीक, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गुजरा होगा, फिट फाट गुजरा होगा, आप खुश रहे होंगे और आपने दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखा होगा। गाइज, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोगों के अंदाज होते हैं, दो तरह के लोगों के मिजाज होते हैं जनाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त सैड सैड रहते हैं, परेशानी के आलम में रहते हैं, उदास तबीयत के मालिक होते हैं जनाब। हम
हम उनकी परेशानी को दूर करने के लिए बल्कि चकनाचूर करने के लिए हम उनकी हिदमत में हाजिर है जनाब। उनकी जिंदगानी में गम दूर भगाकर बल्कि कुसन दूर भगाकर हम उनकी जिंदगी में खुशी भरने के लिए आपके सामने हैं, आपकी हिदमत में हाजिर है जनाब। और एक लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त फेस पे स्माइल रखते हैं, फूलों जैसी खुशबू महकती है उनके लहजे से। हम उनको भी नवीद सुनाते हैं, हम उनको भी सुनाते हैं खुशी की खबर, हम उनके लिए भी लेकर आए हैं खुशखबरी। हम आपकी खुशी को चार चांद लगाने के लिए बल्कि हम आपकी खुशी को दुबला करने के लिए भी हम आपकी हिदमत में हाजिर हैं जनाब। हम लेकर आए हैं हस्ती बस्ती और बहुत सी होगी मौज मस्ती, क्योंकि मैं हूं आरजे बहलोल। मुर्सा प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है और मेरा और आपका साथ रहेगा 2 बजे तक यानी मंडे या ट्यूजडे दिन 12 से 2 में आपके साथ, आप मेरे साथ, हम सब मिलकर खमारा खानिया FM 97 के साथ। या यूं क्यों न कहता चलूं, कहता बढ़ूं आगे बढ़ूं, क्यों न कहता आगे बढ़ूं जनाब के हमारा खारिया FM 97 के रंग आप सब के संग। तो गाइस सबसे पहले मैं बताता चलूं कि हमारे प्रोग्राम में होगा क्या क्या। हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले ब्यूटीफुल टॉपिक होगा जनाब, हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बाद हम म्यूजिक भी प्ले करेंगे और होंगी मजे की बातें, आपसे दिलचस्प सी कन्वर्सेशन होगी, दिलचस्प सी बातें करेंगे हम और कन्वर्सेशन होगी बहुत प्यारी, गॉसिप विद बीएम यानी मेरे साथ बहलोल मुर्तजा के साथ आप करेंगे बातें एंड आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सुहानी सुहानी बातें करेंगे जनाब। और उसके बाद जी आप हमें व्हाट्सएप एंड जब मैसेज भी करेंगे तब भी हम आपको साथ साथ रखेंगे। 2 घंटे तक हमारा ये सफर होगा, आपने फलक तक हमारे साथ चलना है, पूरे 2 घंटे पे मुश्तमिल होगा हमारा ये सफर। आपने पूरे हफ्ते की थकन थकान को साइड पे रख के, पूरे हफ्ते की मसरूफियत को जहन से निकाल के आपने हमारा साथ देना है पूरे 2 घंटे और इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी हमारी है जनाब। अब हम भी आपको साथ साथ रखेंगे, अपने साथ शामिल रखेंगे जनाब। जो लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे हमारे साथ साथ जो लोग मौजूद हैं, हम उनको भी शामिल करते रहेंगे जनाब। उनके भी हम मैसेजेस कमेंट्स रीड करते रहेंगे। और आज की बात, आज के प्रोग्राम की सबसे पहली बात, सबसे प्यारी बात, सबसे अहम बात, ये हमारा 2022 का पहला प्रोग्राम है मेरा और मेरा दिल है जनाब इसमें हम ज्यादा मुस्कुराएं, ज्यादा हंसें, ज्यादा हंसाएं। आप कोई ऐसी बात करें जिनसे मेरे चेहरे पे स्माइल आए, कुछ मैं ऐसी बात करूं जिससे आपके फेस पे स्माइल आए, स्माइलिंग का जो सिलसिला है जनाब ये ऐसे ही हमारा कारवां रवां दवा रहेगा जनाब इंशाल्लाह ताला। तो आज 2022 का मेरा पहला शो है और आपसे मैं कुछ पूछना भी चाहूंगा, लेकिन वो हमारा टॉपिक है, वो हम जब अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जब आएंगे हम आज का टॉपिक भी शामिल करेंगे जनाब। टॉपिक पे मजे की बातें भी होंगी और आपसे हम राय भी लेंगे। और जो लोग फेसबुक पे हमारे से शामिल हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने साथ साथ अपना शहर का, बस्ती का, अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का नाम जरूर लिखा करें कि आप कहां से हैं हमारे साथ, कहां से आप सुन रहे हैं, कहां से आप देख रहे हैं। जो लोग रेडियो पे हमें सुन रहे हैं, अगर वो हमें लाइव जिंदा और सलामत अगर वो हमें देखना चाहते हैं जनाब, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि फेसबुक पे आप हमारा पेज सर्च कर सकते हैं हमारा खारिया FM 97, तो वहां पे एक पेज ओपन होगा जनाब, हम बिल्कुल जिंदा सलामत और लाइव आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जनाब। और जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे मेरा लिंक रहेगा 45 मिनट तक यानी 12:45 तक हमारा लिंक फेसबुक पे होगा, उसके बाद हम फेसबुक से इजाजत चाहेंगे। और जब हम जाएंगे
आप हमें दोबारा अगर हमारे साथ कनेक्ट में रखना चाहते हैं जनाब, तो आप हमें रेडियो पे रेडियो ट्यून कर सकते हैं। हम FM 97 के नाम से है जनाब, वो आप उससे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे दो घंटे हमारा साथ दे सकते हैं जनाब। आज की प्यारी बात, पहली बात, सबसे अहम बात ही कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है, जिंदगी बहुत महफूज बनानी है आपने खुद, आपकी जिंदगानी बहुत प्यारी है, आपके वालिदैन को आपकी बहुत जरूरत है, आपके अहलो अयाल, आपके भाई बहन, आपके दोस्त अखबाब, आपके रिश्तेदार, आपके बीवी बच्चे, इन सब को आपकी जिंदगानी बहुत प्यारी है। आपकी जिंदगी एक ही दफा मिलनी थी आपको और वो मिल चुकी है। जिंदगी को गुजारे मत, जिंदगी को जिये, जिंदगी को जिये, खुश रहकर जिये और अपनी जिंदगी को महफूज ऐसे बनाए। हेलमेट का इस्तेमाल जरूर किया करें जब भी आप ट्रैवल करते हैं। आपका ट्रैवल जो है वो दुरानिया ट्रैवलिंग का, एक घंटे का हो या 10 मिनट का हो, आपने रोड पे जब भी बाइक पे ट्रैवल करना है जनाब, तो आपने हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करना है। आज सर्दी है, आजकल एक तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, दूसरी आपको जिंदगानी भी आपकी महफूज होगी। अल्लाह ताला न करे अगर आप किसी हादसे का शिकार होते हैं तो आपकी जान बच जाती है, आपने अपनी जान बचानी है, आपकी जान आपकी सेहत बहुत कीमती है। एक और बात कहना चाहता हूँ, आजकल लोगों ने शाल ओढ़ी होती है अपने ऊपर, तो वो उसका भी ख्याल आपने रखना है कि वो ऐसा ना हो कहीं बाइक की टायर के अंदर आ जाए और आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं, उस तरह से भी आपने एहतियात करनी है जी। रेडियो पे हुआ है कमर्शियल ब्रेक का टाइम, कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, टॉपिक बताएंगे, मजीद दिलचस्प सी बात करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा और आप भी हमारे साथ रहिएगा, मतलब फेसबुक वाले भी, रेडियो वाले भी, दोनों हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। पढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। जी तो गाइस वहां पे क्योंकि ब्रेक है तो हम फेसबुक पे आपके साथ साथ हैं जनाब। देखते हैं हमें जल्दी के साथ, अचानक सडनली हमें फेसबुक पे किन किन शख्सियात ने, किन किन साहिबान ने, किन किन लोगों ने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है, हम उनके कमेंट्स रीड करेंगे जनाब। मलिक राशिद रबानी है हमारे साथ, वो कहते हैं जी हेलो, कहां से प्रोग्राम हो रहा है जी। प्रोग्राम हो रहा है यहां से मतलब ये है हमारा खार यहाँ FM 97 से प्रोग्राम हो रहा है। मेरा नाम आरजी बहलोल मुर्ज़ा है जो प्रोग्राम कर रहा है जनाब। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप हमारे लिसनर एंड व्यूअर्स हैं। शबाना आबिद हैं जी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बहलोल भाई, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, आमीन, थैंक यू सो मच जी, एंड सेम टू यू। और सेम टू यू के साथ साथ वहां पे हमारा BGM जी चल पड़ा है। बढ़ते हैं रेडियो की जानिब, फिर आपके साथ भी हैं, उधर भी हैं। हेलो एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अजीजान साहिबान, किदरदान मेहरबान जनाब, आज बहलोल मुर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज का हमारा जो टॉपिक है, अब वक्त हुआ चाहता है उसका। टॉपिक जनाब आज का हमारा ये है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2021 खत्म हो चुका है, हमने कर दी 2021 को टाटा बाय बाय, अब अलविदा कर दिया हमने उसको, खुदा हाफिज कह दिया। और उनको ये नहीं हम कहेंगे कि खैर ना लाओ क्योंकि उसने वापस नहीं आना, वो जो हो गया वो गुजर गया कि जी अब शुरू हो चुका है 2022। तो 2022 के हवाले से जो आज हमने बात करनी है, मुझे अपने आज का जो टॉपिक है मुझे आपने बताना है कि 2022 शुरू हुआ है, 2022 की इब्तदा है, शुरू हो चुका है नया साल, तो इस साल की आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या गोल सेट किए हैं, क्या हासिल करना है इस साल, क्या कहां पहुंचना है आपने इस साल कहां पहुंचना है, आज इस साल आपकी गोल क्या है, गोल्स आपने सेट कर लिए हैं या करने हैं। अमूमन मैंने देखा है कि जनवरी एक ऐसा महीना होता है, हर इदारे वाले
तमाम बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, स्टूडेंट्स, कॉलेज, जितने भी यहां पे लोग हैं, तालिबे इल्म होते हैं, वो गोल सेट करते हैं। जो बिजनेसमैन है वो गोल सेट करते हैं आज इस महीने में, जनवरी में, ताकि वो गोल सेट करें और पूरा साल उस उन गोल्स के मुताबिक अपना साल सर्वाइव करें, अपना साल वो गुजारें। तो आपने गोल सेट कर लिए हैं या भी करने हैं? अगर करने हैं तो कहां तक पहुंचना है आपने, आपने कहां तक सफर करना है, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो आप भी हमारे साथ टॉपिक में शामिल हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0537601961 और आप हमें व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट भी कर सकते हैं 0302395977। ये हमारे मैजिकल कॉन्टेक्ट है जनाब। जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम, हमारा रिश्ता तो आपसे है ही, बड़ा मजबूत रिश्ता है, लेकिन आप और हम जुड़ जाते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से जब आप हमें करते हैं कॉल। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0537601961। व्हाट्सएप एंड टेक्स मैसेज के लिए भी मैंने आपको नंबर बता दिया है 0302395977। आज का टॉपिक हमारा जनाब ये है कि 2022 की इब्तिदा है, 2022 शुरू हो चुका है, तो आपने कर ली है प्लानिंग, कहां पहुंचना है इस साल, इस साल आपने क्या अचीव करना है, क्या गोल्स आपने सेट किए हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो अभी देखते हैं जी हमारे साथ फेसबुक पे कौन कौन है। महक अहमद हैं हमारे साथ, कहती हैं जी हाय, क्या हाल है आपके? हेलो एंड हाय जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। शिबाना आप भी थे, कहती हैं लगता है खारिया में सर्दी नहीं, आप तो बड़े सुकून से बैठे यकीन माने। मैं क्या बताऊं कि मैंने अभी क्या क्या जेबतंग किया हुआ था, चादर ओढ़ी हुई थी, बड़ी जैकेट पहनी हुई थी, कैप पहनी हुई थी, ये सब कुछ मैंने उतार के साइड पे रखी है और सिंपल सी ड्रेसिंग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैंने कहा ये ना हो कि आप कहें कि इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है खारिया में, क्या बर्फबारी हो रही है खारिया में, इतनी आपने टाइट सी ड्रेसिंग की हुई है जनाब, इतना आपने एहतियात की हुई है, हालांकि सर्दी है आज, धुंध भी है आज, तो सर्दी लगती भी है, जब ज्यादा सर्दी होती है ज्यादा सर्दी लगती है, आपको आपको पता है। तो जी सर्दी है, सुकून से मैं बैठा हूँ क्योंकि मेरी चाय आ रही है, तो चाय गर्म गर्म होती है, गर्म गर्म चाय आप पीते जाएं सर्दी में तो आप इंजॉय करते हैं जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के तमाम इदारों को सैल्यूट पेश करते हैं, पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं, ठंड की परवाह किए बगैर, गर्मी की परवाह किए बगैर, मौसम की परवाह किए बगैर, मौसम गर्म हो मौसम सर्द हो जैसा भी मौसम हो, उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुबी सर अंजाम देनी होती है, उनको सैल्यूट पेश करते हैं हम। हम पाक आर्मी को सैल्यूट पेश करते हैं, पंजाब पुलिस को हम सैल्यूट पेश करते हैं, और रेडियो पाकिस्तान एंड पीटीवी हमारा जो पाकिस्तान के इदारे हैं हम उनको भी सैल्यूट पेश करते हैं, महकमा ज़राअत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, महकमा तालीम एजुकेशनल डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122 और भी इस तरह के जितने भी इदारे हैं हम सबको सैल्यूट पेश करते हैं जनाब, क्योंकि आप ऐसे इदारे हैं, आप ही की वजह से हमारा मुल्क रवा दवा है, हमारा मुल्क तरक्की की राह में गामजन है, और उम्मीद है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक अज़ीमुशान ज़ात जल्दी वो दिन लाए जब हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में सरे फहरिस्त हो, टॉप लाइन में ऊपर की तरफ हमारा नंबर हो, और हम इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा, हमें उम्मीद है, हमें एतमाद है, हमें भरोसा है, इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में टॉप नंबर पे होगा इंशाल्लाह। फेसबुक पे काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ साथ हैं। हिना जट हैं जी, कहती हैं अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? अबाउट टॉपिक कहूंगी कि कोई प्लानिंग नहीं की, बस जो दिल में है उसके लिए अल्लाह की, उसके लिए अल्लाह के हजूर अर्जी पेश कर दी है और खुद अपने हिस्से की मेहनत जारी है, बेशक अल्लाह जो करेगा वो बेहतरीन होगा, उसकी रजा में हम राजी हैं। तमाम सीमोर, सीमोर को हम क्लिक करेंगे तो जो उन्होंने आगे, तमाम लिसनर्स को सलाम, स्पेशली आनिया और आपी खदीजा को सलाम किया है जी, उन्होंने आपी खदीजा को सलाम आने शुरू हो गए हैं। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं हम उनकी तरफ से। एक कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहां से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? नाम तो सुना होगा, मुझे प्यार है उसे से। अनिल दत्त कहते हैं, कम दिन बाद उसे पिता को 10,000 रुपए लिखा। ओ कैसे हैं आप? नाम भूल गई थी। क्यों? वो मैं पता नहीं, मेरा कहने के लिए और था, तो आपने पूछा फोन कहाँ से, तो एकदम मुझे याद है वो, तो भाई अपना मेरा नाम पूछ रहे हैं। अच्छा, तो आपने क्या समझा, मैं अपना नाम पूछ रहा हूँ, मैं कौन कहाँ से, मैं तो इधर से हूँ। मैं हूँ वो, आपको पता है कि डबल माइंडेड बंदा हो तो फिर ऐसे ही होता है। आप डबल माइंडेड है? आज हूँ। वो कैसे? क्योंकि एक के साथ दो दो काम कर रही हूँ ना। केड़ा? एक मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ और दूसरा भैया मैं एक नावल पढ़ रही हूँ। ओ, उस नावल में हैदर है कोई नाम? नहीं। अच्छा, वो नावल में कोई नहीं। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप, ये तो बताया कोई नहीं आपने। भैया मैं तो हमेशा की तरफ बहुत प्यारी माँ समझती थी, उससे मेरी बाली थी तब दर्शाती थी, तब मेरी तो कैसे कैसे बताता है, कैसे हाल अवाल है, कैसे गुजर रही है जिंदगी। बिल्कुल ठीक भाई, आपको वेलकम कहते हैं, हम देखते हैं कि आप ड्रोन करने आए हैं। ओके जी, हम भी कह रहे हैं आपको वेलकम, या रहने दें। अच्छा, यानी ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, हम आपको भी वेलकम करते हैं हमारा खारियां FM 97 के इस प्यारे से, हॉट से, अच्छे से, लवली से स्टूडियो से। बिल्कुल भैया, शुक्रिया। और जो आपने बहुत रखा उसके हवाले से मैं कहना चाहती हूँ, भैया अभी तक तो मैंने स्मार्ट नहीं किया और मैं सिर्फ कल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जरूर तो नहीं ना कर सकती। जी करें करें, जो कर सकती है वो तो करें। बिल्कुल, इस साल मतलब ये है कि हमने ना अपने घर में भाइयों ने और मेरी कसम से डिसाइड किया कि हमने इस साल कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना, वो भी अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे। सारी बातें अब पहले तो हम जाते हैं तो अपने खर्चे पे जाते हैं। तो पहले आप किसके खर्चे पे जाते हैं इस बार? अगर अपने तो इस बार भी तो अपने भी जाना है ना। मतलब ये है कि प्लान बनाए कि इस साल घूमना फिरना जरूर है। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि मतलब जो पढ़ाई मेरी जारी है तो आगे भी कोशिश है कि जारी रख सकूं। अच्छा अच्छा, और इसके साथ अगर जॉब की कितनी वैकेंसीज आती है तो जरूर अप्लाई करूंगी। और हफ्ते पहले चाहे वो नावल्स हैं या किताबें हैं, मैंने सोचा इस साल ना बेशुमार किताबों का मुताला करूंगी। बेशुमार, बहुत अच्छी सोच। और इसके अलावा कोशिश है कि अच्छे काम कर सकूं, पहले भी करती हूँ लेकिन आप ये है कि इससे और थोड़ा ना मजीद इसमें इजाफा करो। क्या और बात। इसके अलावा जो स्पेल की बात, 97 का पास इस साल भी हमेशा की तरह लो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपका साथ ऐसे ही रहेगा, मुझे पता है। बिल्कुल भैया, आपके जवाब में। अच्छा, थैंक यू अनिला जट साहिबा। अच्छा जट साहब, मेरी बात सुनो, इस साल मैंने एक प्लान बनाया कि जो भी घरवाले काम खोलेंगे उसमें ना नहीं करूंगी। अच्छा, कर दूंगी। मैंने समझा, कह रही है कि वो नहीं करना अब। नहीं, मतलब ये नहीं कि कोई भी घरवाला काम बोले ना तो मेरी जुबान से पहले ना ही निकलता है, तो मैं काम कर दूँ। घरवाले कहते हैं कि तुमने पहले ना करोगे फिर करती हो, तो तुम पहले ही हाँ कर दिए। हाँ, पॉइंट की बात उन्होंने की है वैसे। हाँ, तो फिर मैंने इस बार सोचा कि जो भी वो बोलेंगे जैसा बोलेंगे फिर वैसा ही करूँगी वैसा ही करूंगी। और प्लान मैंने बनाया है, अल्लाह मतलब इस दफा ना मतलब सलून हाथ ही करूंगी। अच्छा, बिल्कुल भैया, मैं सलून हाथ पर बहुत ज्यादा हूँ, जूते हूँ, कपड़े हूँ, शेर व शायरी की बुक लेनी हो या वैसी कुछ बुक खरीदनी हो, पेन लेनी हो, कुछ भी लेना हो, तो मैं इन चीजों में ना मतलब बहुत ज्यादा ना खर्चा करती हूँ अपना। पैसा लगा देती हैं आप, पानी की तरह बहा देती हैं। पानी की तरह भैया, मेरे मतलब पता है हाथ में कुछ है, वो पैसे मतलब ना रहते नहीं है। मेरे भी पॉकेट में 20 रुपए जब भी हों वो लग जाते हैं, रहते कोई नहीं है। मेरे पास भी यही मसला है, तो मैं इस तरह सोचते हैं कि सेविंग करती हूँ। मैंने भी सोचा है कि 20-20 करके। एक बात है, जी नहीं, जिन पत्नों को आते तो ना वो लग ही जाते हैं। हाँ, मैंने पता क्या सोचा है, जी इस दफा मैं भी 20-20 करके पैसे इकट्ठे करूंगा, 5 दफा जब हो जाएंगे 100 रुपया पूरा हो जाएगा, फिर मैं कार्ड ले लूंगा। ठीक है प्लानिंग मेरी। सही है भैया। अच्छा अच्छा, मौसम कैसा है वहाँ पे कोटला, आपके जालम संग दिल जालम बता। ये है कि मतलब धूप का तो कोई नामोनिशान नहीं है और बादल बने हुए हैं, जो बारिश वाला मौसम होता है ना ये वाला बना हुआ है, लेकिन अभी बारिश के लिए आसार नजर नहीं आ रहे। धुंध है यहाँ पे हमारे में। हमारे यहाँ धुंध नहीं है। अच्छा हाँ, तो क्या है फिर आपके यहाँ? कुछ भी मतलब ये है कि दूध नहीं है। चांद नजर आ जाएगा अगर आना नजर आना हुआ तो? नहीं भैया, वो ये है कि क्या नाम है ना, मतलब अगर गौर से देखें तो फिर कहीं नजर आएगा। तो गौर से देखें ना, वो रात को नजर आएगा ना चांद, बाकी तो मतलब सूरज में नजर नहीं
नजर आना था वो तो आज नहीं है। हाँ वो तो आज नजर आने से रहा क्योंकि आज वो थोड़ा सा मौसम हमारा कूल है, ठंडा है। अच्छा अनिल भैया, और इसके अलावा भैया आपके लिए कही सारी दुआएं थे, इस साल भी आप हमारा साथ थे FM 97 पे और कामयाबी आपके कदम चूमे, थैंक यू, हंसते मुस्कुराते रहे और जो हम करते रहे। और इसके अलावा मैं हमजा भैया को सलाम दूंगी, अंकल रफीक को सलाम दूंगी, सवेद को सलाम दूंगी और अंकल भैया को सलाम दूंगी, हाफिज मोहम्मद साकिब को, हफीजा को, तानिया को, इन सबको मेरे से बहुत बहुत सलाम। अच्छा अनिला एक बात मुझे बताएं, अभी टाइम है हमारे पास, आप ना एक काम करें जी भैया, एक लतीफा सुनाएं। क्या बोला भैया आपने? लतीफा सुनाएं, लतीफा आता है आपको? क्या लतीफा? जोक आता है आपको लतीफा? बिल्कुल भैया सुनाएं। मतलब है तो पुराना सा, पता नहीं आप आपको बिल्कुल। चले ठीक है अनिला, अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर पे क्या कहना चाहिए? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ थी अनिला जैद थी कोटला रिबलिहान से, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, प्यारी बातें कर रही थी और हमें बता रही थी अपने साल की प्लानिंग। उन्होंने साल में उन्होंने प्लानिंग ये किया कि इस दफा अपने खर्चे पे उन्होंने कुछ करना है। अच्छा, तो मैंने पूछा कि अपने खर्चे पे मतलब पहले आप अपने खर्चे पे नहीं करती? तो कहती है पहले अपने खर्चे पे करती है, इस दफा भी अपने खर्चे पे कहीं जाना है हमने, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए जी, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मैं पहले कहता रहता हूँ कि जिंदगी को गुजारना नहीं है, जिंदगी को आपने जीना है। तो जिंदगी जीने के साथ साथ कमर्शियल ब्रेक भी हमने लेनी है, तो वहां पे टाइम भी हो चुका है कमर्शियल ब्रेक का, तो बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। और सुना फिर करमदीन, इस साल की फसल वधिया ही? की सुनावा चारू साहब, इस बार कोरोना की वजह तू मंडिया च पहुंचने लई बड़ी मुश्किल आई जे। जी तो वहां पे क्योंकि कमर्शियल है तो हम दोबारा फेसबुक वालों की तरफ आ गए हैं जनाब। देखते हैं जी हमारे साथ कौन कौन हैं। शबाना आबिद हैं, कहती हैं जी मैं इस्लामाबाद से हूं। जी ओके हो गए जनाब, हम आपको हमारा खा दिया फैमिली चैनल की स्टूडियो से वेलकम करते हैं। बिलाल बजाड़ हैं, बजाड़ हाँ, कहते हैं जी अस्सलामुअलैकुम भाई जी, क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे हाल अच्छे हैं, हमारी चाल अच्छी है, हमारे मिजाज अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अब्दुल रहमान तो गुस्सा कर गए। अच्छा अब्दुल रहमान कहते हैं हम क्या करें। अब्दुल रहमान आपको नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने मुझे बताया है, मैंने कहा था कि आप ये भी बताया करें कि आप कहां से हैं, तो अब्दुल रहमान आप भी बताएं कि आप कहां से हैं ताकि हम फिर कह सकें कि हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड शो मोहम्मद इब्राहिम कलेरी बस्ती हासिल खान कलेरी डेरा गाजी खान से शरीक के महफिल, आओ जी बिस्मिल्लाह करा। कहते हैं जी हम डेरा गाजी खान से आपकी महफिल में शरीक हो चुके हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। जनाब अरशद मारी हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ओके जी। कहते हैं जी नाइस शो फ्रॉम खैरपुर सिटी, थैंक यू सो मच जी, आपने तारीफ की हमारे शो की और हम मशकूर हैं, ममनून हैं आपके, आपने हमारे शो की तारीफ की जनाब, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा टॉपिक एक दफा फिर सुन लें, जो लोग हमें अभी, जिन लोगों ने फेसबुक ऑन की है, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है जनाब, हम आज बात कर रहे हैं कि इब्तिदा है 2022 की, टाटा बाय बाय अलविदा हुदा हाफिज कह दिया हमने 2021 को, तो अब जनाब 2022 की आपकी क्या प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है, कहां पहुंचना है, क्या हासिल करना है इस साल, वहां पे हमारा बीजीएम चल पड़ा है, रेडियो की जानिब बढ़ते हैं जनाब। हेलो
एंड हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं अजय बहलोल मुर्जा। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है। अजीजान साहिबान कदरदान मेहरबान, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ट्यून किया है उनको हेलो एंड हाय। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है और आज का हमारा टॉपिक जनाब ये है कि 2022 आ चुका है, कहां पहुंचना है इस साल, क्या प्लानिंग है इस साल। अस्सलाम वालेकुम। हदीजा कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको भी वेलकम, गुड आफ्टरनून आपको भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तला करोड़ों सब कर बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल कैसी है हमारी बाबी और कैसी है हमारी परी? सब आपकी दुआओं से ठीक ठाक है। अच्छा मुझे ये बताएं, 2022 क्योंकि शुरू हो चुका है तो आपको कैसा लगा पहले मेरे पहले पहले प्रोग्राम में शामिल होकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूं। थैंक यू सो मच। आप वो हमारा प्रोग्राम था ना हैप्पी न्यू ईयर नाइट का, आपने वो सुना? नहीं मैंने नहीं सुना, मैं सो गई थी जल्दी और मुझे बाद में पता चला था, लेकिन मैंने कहा मेरे दोनों सुपर स्टार आए हुए थे तो मैं नहीं सुन सकी। लेकिन अच्छा ही हुआ क्योंकि आपने कॉल तो ली नहीं, अगर आप लेते तो फिर मुझे बुरा भी लगना था क्योंकि उस दिन मेरा पैकेज भी नहीं था। अच्छा उस दिन पैकेज भी नहीं था क्योंकि वो शाम के टाइम पे कोई शॉप पे जाने वाला भी नहीं था ना, तो मंगवा था, वरना मैं सुबह मंगवा लेती हूँ जब शो हो ना, तो मैं पैकेज भी करना होता। अच्छा 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 ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा तो आप क्या कहना चाहती हैं, क्या प्लानिंग है, क्या 2022 के वाले से क्या सोचा हुआ? कोई खास तो नहीं सोचा हुआ, लेकिन जो भी होगा साथ साथ होगा, लेकिन ये सोचा हुआ कि इंशाल्लाह मेरे जो मामू के बेटे हैं ना, उनको कुरान पाक मेरे पास मुकम्मल होने वाला है, तो आप सबके लिए मिठाई भेजूंगी स्पेशली आपके लिए। वाओ अच्छा बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, हम वेट करेंगे जी मिठाई का। और जो आपको पसंद है वो आप मुझे बता दें, वो स्पेशल आपके लिए अलग भेजूंगी, बाकियों के लिए अलग। मिठाई हो बस उसमें कुछ भी हो। नहीं मुझे तो जो बर्फी अच्छी लगती है, लेकिन अगर हमारे शॉप पे बड़ी अच्छी बनती है तो आपके लिए स्पेशल वो भेजूंगी, आपके लिए और जिसनेट के लिए, बाकियों के लिए दूसरी मिठाई और आपके लिए वो। मुझे ठीक है, पसंद है मुझे बर्फी मिठाई रसगुल्ला गुलाब जामुन कुछ भी हो जाए। बिल्कुल मैंने सोच के रखा और मैंने अपने अच्छा। से भी बात की है, कहते हैं बस इसी हफ्ते में हो सकता है उनका मुकम्मल हो जाए, तो इंशाल्लाह आप तक मिठाई पहुंच जाएगी। मिठाई पहुंचे ना पहुंचे आप बस कॉल्स करते रहा करें, आप हमारे साथ शामिल रहा करें तो हमें मेरे जो बात कर दिया वो भूख रहेगी। भूख रहेगी, बन के रहेगा पाकिस्तान। बिल्कुल मैंने मतलब उससे भी बात की है तो कहता है आप मुझे देना मैं जरूर दे के आऊंगा। थैंक यू। अगर मेरे से जिसको जो उम्मीद है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उस उम्मीदों को पूरा साल और सबका साथ दूं और सबका साथ निभाऊं। क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा और क्या कहना चाहेंगे आखिर में सबको? आखिर में सभी सुनने वालों को सलाम करना चाहूंगी, अपने सभी रेडियो फ्रेंड को स्पेशल सलाम करना चाहूंगी, अनिला का बेहद ज्यादा शुक्रिया, अनिला ने मुझे सलाम दिया, और जो स्पेशल राम ने सलाम दे देता उनको भी मेरी तरफ से ढेर ढेर सलाम। और पैगाम ये देना चाहूंगी, कहते हैं कि अच्छा वक्त हमेशा उनका ही होता है जो दूसरों का अच्छा सोचता है, तो किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकता तो उसके लिए बुरा भी मत सोचे। क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया हदीजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने आपको एक दफा मिस भी नहीं किया क्योंकि आप मुझे भूले नहीं थे, और हर दफा मतलब मेरी दुआओं में होते हैं, और थैंक यू जब जब दुआ के लिए हाथ करती हूँ आप सबके लिए दुआएं करती हूँ। थैंक यू सो मच। पहले दिन मैंने आपका वेट किया था, मैंने तो हो सकता है न्यू ईयर तो शो हो, लेकिन फिर मुझे पता चला था रात को हो चुका है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हाँ नहीं रात को भी हुआ था, दिन को भी था, दिन को भी था रात को भी था, चले गुजर गया वक्त, अच्छा गुजर गया। थैंक यू सो मच अदीजा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। हदीजा तुल कुबरा थी हमारे साथ, अच्छी अच्छी बात कर रही थी, प्लानिंग उन्होंने बताई, कहते हैं जी कुरान मजीद खत्म होने वाला है मेरे कुछ स्टूडेंट्स का, तो मैं आपको मिठाई भेजूंगी। वाह क्या पैगाम है, क्या प्लानिंग है, मिठाई भेजने की प्लानिंग है, बहुत उम्दा, मुझे अच्छी लगी आपकी प्लानिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जैगम बात कर रहा हूँ, कुंजा से। जैगम कुंजा से, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाए सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं कैसी है आपकी प्लानिंग? सॉरी आपने प्लानिंग कर ली है 2022 की, वो कैसी है? प्लानिंग डे टू डे होती है, कोई लंबी खास प्लानिंग नहीं होती। अच्छा रोजाना प्लानिंग करते हो आप? हाँ जी। अभी आखिर कॉल है मेरी जी, अभी मेरी कॉल आखिर है।
नहीं बात करें ना आप, ऑफिस है ऑन ईयर है? ऑन ईयर है, ऑन ईयर है, ऑफ ईयर तो नहीं हो सकती ना। अच्छा अच्छा, तो टॉपिक क्या है इसका? टॉपिक कोई नहीं सुना आपने? टॉपिक हमारा, टॉपिक ये है कि 2022 की आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बनना है, क्या बनाना है, कहाँ पहुँचना है, क्या हासिल करना है। प्लानिंग सच कोई लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन ये कि डिग्री थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है, स्टडी को थोड़ा फर्दर कंटिन्यू करना है, और प्रोफेशनली तौर पे जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। क्या बात है आपकी, क्या बात है, स्टडी के हवाले से। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी ज़ैगम हमजा, ज़ैगम आप हमारी दुआएं हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे जी हार मैदान में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्या कहना चाहेंगे आखिर में सबको, सलाम शलाम? और यही कहना चाहूंगा सब सुनने वालों को सलाम, और जो पास्ट है उसको बार बार याद करने से, बार बार उसको रिमाइंड करने से फायदा कोई नहीं है। आगे बढ़े नए उम्मीद के साथ, नई होप के साथ, इंशाल्लाह सब ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू ज़ैगम, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह निगेबान। हमारे साथ ज़ैगम थे और अच्छी बात कर रहे थे, प्लानिंग उनकी अच्छी है, कहते हैं जी मैंने फ्यूचर को ब्राइट करना है मैंने, और क्या करना है जी, उन्होंने कहा जी पढ़ाई को हमने बेहतर बनाना है, अपना जो मेरा पैशन है उसको इंक्रीज करना है, आगे लेके जाना है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। एक और हैं जी अपने प्लानिंग शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? थोड़ा सा ऊंचा आपने बोलना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, अब उम्मीद करूंगा कि सब कुछ चली जाए। हाँ अब चली गई होगी हल्का सा। अच्छा अच्छा, अभी किधर से हैं आप, कौन हैं, कहाँ से हैं? मिनाहिल बात कर रही हैं खारिया से। अच्छा हम आपको वेलकम करते हैं हमारा खारिया एफएम 97 के स्टूडियो से। थैंक यू भैया। ओके जी, तो क्या है आपकी प्लानिंग 2022 की? क्यों तो खास कैसे करनी है, कब करनी खास? क्या नहीं करता, दिल नहीं करता? ओ अच्छा, तो 2021 कैसा गुजरा आपका? आपका कैसा गुजरा? मेरा भी सही। आपसे जाहिर है आपका सही गुजरा है, मेरा भी सही गुजरा होगा। केड़ा? बताए। अच्छा एक मिनट, मेरे पास एक एक सेकंड बहुत कीमती है मेरा, आपका भी शायद होगा। अल्लाह अच्छा, नहीं सही जानती तेरी बेवफाई, तो फिर क्यों होया गू? अच्छा ये गाना लगाना है, किसको किसको डेडिकेट करना? अच्छा नहीं बहरहाल ठीक। अच्छा सपंद है आपको? अच्छा पसंद है आपको ये गाना? नहीं बेवफाई, सही जानती तेरी बेवफाई। गुड नाइट, चली गई है वापिस जनाब। हमारे साथ मिनाहिल थी और खारिया से थी, अच्छी बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम जी अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत है। और सुनाए, सर्दी शर्दी तो नहीं लग रही? सर्दी लगने के लिए ही पड़ती है। अच्छा, मैं सोच शायद जैसी लगती है। नहीं सर्दी लगने के लिए हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा लगे ना तो फिर सर्दी कहाँ का है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि बच्चों को 2022 में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, शादियां छुट्टियां काट दी हैं। हाँ हमें आपके जो ये बच्चे हैं, ये जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, ये अपने माहौल के मुताबिक देखें, एडजस्ट करें अपने आप को, किस माहौल में जाना है, क्या करना है, पढ़ना है, काम करना है, क्योंकि दो
अच्छा ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, जब आप नौजवान है आपने कमाना है तो जरिया कमाई या हुनर होता है या फिर तालीम होती है। जरिया इज्जत जो आपका बनेगा कल को आप तालीम हासिल करके कोई सर्वत कर लेते हैं या जितना अच्छा कारोबार तालीम जो आपका बंदा करता है वो अनपढ़ बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो अपना जो प्लान है वो करे, माँ बाप के साथ मशवरा कर ले, बहन भाई है घर में इतने बंदे हैं क्या करना है क्या बनाना है, जहाँ देना एडजस्ट होता है वहाँ उसको एडजस्ट कर ले, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा मुझे ये बताएं मौसम कैसा है आज कारियां का? मौसम बादल बने हुए हैं। दो मौसम होते हैं, एक कारियां का मौसम होता है, एक हमारे अपने अंदर का मौसम होता है। अंदर का मौसम ठीक ही रहता है। क्या तकरीबन खराब नहीं होने दिया? अच्छा तकरीबन खराब नहीं होने दिया, मतलब अच्छा अच्छा रहता है। नहीं ना, खराब करके भी तो फिर क्या कर लोगे, क्या बाहर आएगा। हाँ ये बात भी ठीक, अपने बीपी आई लो होगा, एक तो बंदे का एक मसला बन जाता है, कोई भी प्रॉब्लम बन जाता है, तो यार उसे सॉल्व करने की बजाय, कोशिश करने की बजाय, उसका भी हाल सोचने की बजाय बंदा थोड़ी गाल के बैठ गया, फिर उसका हाल तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ये बात। थोड़ी सी बंदा हिम्मत करके तो उस मसले का कोई ना कोई हाल हाल निकाल ले। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आखिर में कोई पैगाम दे फिर हम कमर्शियल ब्रेक की जाने पड़े। पैगाम यही अभी आए हुए थे हमारे साहब जी जी, तो माजी को रोने के बजाय गुजर गया तो वक्त तो हम लोग उसे रोते रहे बैठ के, हम खान को इंतजार नहीं मारते। ओ जब वो चांद मार को चला जाता है ना जी, उसके देखते लुकी रहे इधर गया इधर गया इधर गया। हाँ बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, कुछ भी करते बिल्कुल ऐसी। वो माफी को रोने की बजाय मुस्तकबल के पीछे दौड़ने की बजाय बेहतर है कि प्रेजेंट को संभालते, प्रेजेंट को संभाले। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। हाल को हाजिर को संभाल जी, बेशक बहुत अच्छा लगा। तमाम करने वालों को सलाम, जी 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 ऐसे यहाँ तक आवाज आ रही है तमाम अंकल फी के गुलदस्ते को, तमाम बच्चों बेटियों बेटों सबको अंकल फी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों की तरफ से अंकल फी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी अंकल रफीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। अंकल रफीक थे हमारे साथ, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारे बुजुर्ग हैं हमारे। हमारा कमर्शियल ब्रेक का वक्त है जी, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जी गाइज, वहां पे एक कमर्शियल ब्रेक है और फेसबुक से जाने का वक्त हो चुका है, और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। हसनी जलाल है, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। यासिर मलिक है, पालिया से कहते हैं, फ्रॉम पालिया, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बड़े दिलशील भेजे हैं जनाब उन्होंने हमें, बहुत शुक्रिया, प्यार का मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया यासिर मलिक। ओके जी, टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहता हूं 2022 की प्लानिंग जरूर करें, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने जहन में रखें, ऐसी गलतियां न करें जिनकी वजह से आपके रिश्ते टूट चुके हैं, आपके अपने अपनायत से महरूम हो चुके हैं, जो आपने 2021 में गुस्ताहियां की हैं, इस साल कोशिश कीजिएगा गुस्साहियां ना हो।
जो आपने 2021 में लोग नाराज किए हैं, इस साल कोशिश कीजिएगा उनको राजी करने की। जो आपने 2021 में किसी के साथ लड़ाई की है, झगड़ा किया है, कोशिश कीजिएगा उनके साथ इस साल दोस्ती करने की। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक अजीम शान जात आपको ठीक ठाक रखे, खुशबाश रखे। जब आप खुश होंगे, आप कोशिश करें आपकी वजह से दूसरे लोग भी खुश हों। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक और अजीम शान जात आपका हामी और नासिर हो। इसी पैगाम के साथ आज बहलोल मुर्जा को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने की बात।